आर गोइंग टू द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन डे वाज़ फाउंड टू बी रुपीज हंड्रेड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल्स एंड टू के ऑफ ग्रेप्स इज थ्री रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली सो बेसिकली हम इसको विद्प ऑफ दल्जेब्रा इसकी इक्वेजन बनाएंगे और सेकेंडली हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके ज्योमेट्रिकली इसको सोल्व करेंगे सो लेट स्टार्ट डूंग हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाना है हमारे पास इन्होंने एप्पल्स और ग्रेप्स के बात करी है तो हमने एप्पल और ग्रेप्स का ही प्राइस क्या कर लेना है ज्यूम कर लेना एक्स एंड वाई की फॉर्म में

क्वेश्चन में हमें दिया है हमारे पास फॉर्म है 2 kg सो so ले लोगे 2x एंड 1 kg ऑफ ग्रेव्स दैट विल बी y टोटल कॉस्ट है इनकी 160 ओके okay? इसमें से आप y की वैल्यू निकाल लो इट विल बी 160 2x तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई है सो so इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं ऑलराइट नाउ right, हमने इसका टेबल बनाना है बट विल मेक इट लेटर ऑन नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास और क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं फोर किलो एप्पल है तो फोर एक्स हो जाएगा और टू के जी हमारे पास ग्रेप्स है तो टू वाई हो जाएगा कॉस्ट दी है थ्री हंड्रेड और राइट आ जाएगा टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड माइनस फोर एक्स टू वाई वाई एक तरफ रख लो थ्री हंड्रेड माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टू सो so ये मेरे पास आ गई है सेकेंड इक्वेजन सो लेट्स पुट दैट इन द बॉक्स टू थ्री हंड्रेड माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू अब रिमेंबर वी हैव टू मेक ये तो हो गई हमारी अल्जेब्रिकल इक्वेजन अब वी हैव टू मेक अ ग्राफ सो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है टेबल बनाना होता है सो so, टेबल बनाने के लिए मेरे को एक्स एंड वाई की वैल्यूज को एज्यूम करना पड़ेगा सो एक्स एंड वाई की वैल्यूज को एज्यूम करने के लिए हम इसका टेबल बना लेंगे ये आ गया हमारा टेबल हम थोड़ी सी वैल्यूज इसकी ले लेते हैं ओके सो नाउ लेट अस एज्यूम कि हम इसकी वैल्यूज जो है बिकॉज काफी बड़ा नंबर है तो हमारे पास वैल्यूज अच्छी वैल्यू फॉर एक्स बी 10 20 30 40 50 60 70 ओके okay? एक्स को अगर मैं 20 लेती हूँ तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा हंड्रेड माइनस टू इंटू टेन और राइट

राइट right. अगर मैं इसको थर्टी लेती हूँ हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू इंटू थर्टी दैटी हंड्रेड इक्वल्स टू हंड्रेड सो आप देख रहे हो कि ट्वेंटी ट्वेंटी के गैप के ऊपर ये सारी सीक्वेंस चल रही है सो so अगर मैं एक्स को फोर्टी लेती हूँ ये आ जाएगा हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू इंटू फोर्टी हंड्रेड सिक्सटी माइनस एटी सो दिल बी एटी 160 minus 80 is 80. 160 minus 2 into 50. 160 minus 100, which is equals to 60. So similarly, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 40. ये मेरे पास आ जाएगा 20. All right. So ये मेरे पास values आ जाएगी x and y की. Now अब हम table draw करते हैं इसके लिए. So this is little bit ट्रिकी क्राफ्ट मैंने नीचे पहले ही आपके लिए ड्रॉ करके रखा है सो लेट्स ड्रॉ अनदर टेबल ही मेरा टेबल आ जाएगा एक्स एंड वाई की वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं इट इज नॉट दैट हार्ड ऑलराइट? राइट एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई की वैल्यू लेट्यूम कर लो कि मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू डालनी शुरू करी है वाई अगर मैं लेती हूँ सपोज कर लो टेन टेन वी गो वाई थर्टी 30 फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी सो सो ऑन on राइट right? और एक्स की वैल्यूज क्या आती जाएंगी यहाँ पे अगर मैंने वाई को टेन लिया है सो ये आ जाएगा टेन is equals to 300 minus 4x divided by 2 this will be 10 into 2 will be 20 and minus 300 either rajaji minus 4x 20 minus 300 is minus 280 is equals to minus 4x so 4 and 28 table so 9s are so basically that will be equals to 4 and 28 that will be uh, not 9 that will be 7s are वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सेवेंटी और राइट सिमिलरली नाउ अब मैं वाई की वैल्यू को ट्वेंटी ये इसको लिख सकती हूँ थ्री हंड्रेड माइनस फोर एक्स दिस विल बीव टू फोर माइनस थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स फोर माइनस थ्री हंड्रेड इज टू सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा

This will be equals to 60 minus 300 is minus 240 is equals to minus 4x. So that will be 240 by 4 minus a minus cancel. 4, 6 is 24. Okay, 6, 4 24. So 6 and 0. 60 is the answer. Alright, now y put karo aap 40. 40 times 2 is equals to 300 minus 4x, which is equals to 80 minus 300 is equals to minus 4x. So 80 minus 300 give me 2 to 0 divided by 4 is equals to x. Minus a minus cancel. 4 fives are 20. 20 bacha. 4 fives are 20. So 55 we will get. Similarly, you can see here that it goes with the डिफरेंस ऑफ फाइव से सिमिलरली आप यहाँ ड्रॉ कर लो फिफ्टी फोर्टी फाइव फोर्टी सिमिलरली थर्टी ड्रॉ द ग्राफ टेबल सो हम अब इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ओके सो वी ऑलरेडी गॉट सम वैल्यूज हियर लेट्स ड्रॉ इट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी है एक्स की वैल्यू है टेन सो एक्स टेन हो जाएगा तो वाई हंड्रेड फोर्टी सो हंड्रेड फोर्टी तक हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया नहीं है सो लेट वी ड्रॉ अ लिटल बिट मोर इन ही सो दैट वी गेट सम मोर वैल्यूज सो ये मेरे पास आ जाएगी लेट ड्रॉ सम मोर वैल्यूज नाइन्टी हियर दिस विल बी नाइन दिस विल बी हंड्रेड सो हंड्रेड तक हम इसको और हम थोड़ा सा अगर इसको और एक्सटेंड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास ये फाइव में हंड्रेड फाइव हंड्रेड टेन सो हमारे पास ये वैल्यूज ऐसे एक्सटेंड होती जाएंगी सो दिस विल बी हंड्रेड फिफ्टीन एंड हंड्रेड ट्वेंटी ओके सो हंड्रेड फोर्टी विल बी बियॉन्ड समवेयर ओके सो ये वाली वैल्यू आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल में फर्दर अगर इसको आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो सो लेट्स टेक दर वैल्यू हमारे पास 20 अगर x है तो 120 तो हमारे पास जो इतनी फर्दर हमने ड्रॉ की है सो so यहाँ पे कहीं पे मेरे पास ये वैल्यू आएगी और राइट सो नेक्स्ट हमारे पास है 30 एंड 100 सो so, 30 मेरे पास x है और 100 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इफ आई गो बियॉन्ड हंड्रेड एंड थर्टी it will be here, this last value, all right? Now 40 and 80, 40 here, 80 we have to go beyond, it will be this value, all right? So we have one more value, 50 and 60. So 50 will be here, and 60 will be somewhere here. Here. Yes, this is the value 50 and 60. So make sure you draw the right value at right place. So 50 and 60. Similarly, 60 and 40. Up is 5 may na bi lete way up is ko graph. So upka to easy ga draw Alright. नेक्स्ट इज फिफ्टी एंड सिक्सटी हो गया हमारा नेक्स्ट इज 60 एंड 40. सिक्सटी ये रहा और फोर्टी मेरा यहां पर आ रहा है आई थिंक सो इनफ वैल्यूज है हमारे पास ड्रॉ करने के लिए सो so, है सो so, आप देख सकते हो दैट वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन दिस वन सो लेट्स विद्स दैट स्ट्रेट लाइन मे बी फ्रॉम हियर जो कि वैल्यूज हमारे पास थोड़ी एक्सैक्ट है सो so हम इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं सो आई ड्रॉप इट हियर राइट सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी यहाँ पे सो so ये वैल्यूज थोड़ी मेरी इधर आ जाएगी और राइट ना लेट्स ड्रॉ द One. हमारे पास दूसरी वैल्यूज आ जाती हैं सेवेंटी टेन सेवेंटी इधर आ गया और टेन मेरे पास ये आ गया टेन so है This value 65 and 20, yeah. Okay, net 60 and 30. 60 is here, 30 is this one. 55 and 40, 55 and 40 will be this value. Okay, now let's draw the next one. Oh, we got that value off here all right now let's draw the next one we have fifty, 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 and 50 here 45 60 45 here and 60 here 40 and seventy, forty here and 70 here Alright, now let's draw a straight line. So, straight line draw karungi pe. up. Here we go. And we'll extend it later on. This is our straight line almost. Yep. Now, if I extend it a little bit, so it will move from here to here. Okay. So, you can see that they are almost parallel lines. All right. so in this way, आप इस क्वेश्चन को algebraically और ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप draw कर सकते हैं x की की कोई भी ले लो, y की values मिलती जाएंगी, सिमिलरली आप y की वैल्यूज भी चूज कर सकते हो x की वैल्यूज मिलती जाएंगी आप equation को किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर सकते हो y और x की जो equations है आप x की फॉर्म में भी ले सकते हो y की फॉर्म में भी ले सकते हो that ऑल डिपेंड्स अपॉन यू all right? So in this way you can solve all these questions. Thank you.